गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने बिजली है नहीं सर्दी में, मुझे बाहर बैठना पड़ा है, लाइट है नहीं। सॉरी माजरात, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं। अब आपको हकीकी एहसास होगा। प्रोफेशनल हैजर्ड्स बहुत अहम ये मरहला था। और इमरान खान साहब ने कल ट्वीट किया विद द डॉक्यूमेंट दैट सेज कि मोहसिन रजा नकवी साहब एक कंट्रोवर्शियल आदमी है और उनकी एक प्ली बार्गेन की एक डॉक्यूमेंट आपने भी देखी होगी जो घूम रही है। तो आप क्या देखते हैं फॉर द इलेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका गैर मुतनाजा होना पाकिस्तान के लिए, उसमें अगर शुरू से ही हर्डल आ रही है तो आप चीजों को कैसे आगे बढ़ता देखना है? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और इवन इससे पहले हालात जब बेहतर भी रहे तब भी हमारे यहाँ इलेक्शंस मुतनाज़े रहे हैं। अब जब हम इतना तकसीम है, इतनी ज्यादा सियासी तौर पर पोलराइजेशन है, तो मोहसिन नकवी होते या कोई और होता डेफिनेटली ये इलेक्शन जो है और इवन हर मूव जो है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो होगा तो मुतनाज़े ही। और यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल में कंसर्न वाली बात है कि हालांकि जो निगरान वज़ीरे आला है या निगरान वज़ीरे आज़म है उसके पास कौन सा एक जादू की छड़ी है कि अगर आपकी मर्जी का बंदा लग जाएगा तो उससे पता नहीं क्या चेंज आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी सियासी जमातों के अंदर तकसीम इतना बढ़ गया है कि एक छोटी सी बात पर भी आप इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि केपी के अंदर ये हमने एक शॉकिंगली प्लेजेंटली एक सरप्राइज देखा कि वहां पर एक इत्तेफाक हो गया। क्या पंजाब में नहीं हो सकता था? डेफिनेटली हो सकता था। लेकिन अब अगर इत्तेफाक नहीं हुआ और आईन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने नामजद करना है या उसने अपॉइंट करना है केयर टेकर वज़ीरे आला, अगर उन्होंने किया है, अगर वो पीटीआई का नॉमिनी होता तो गवर्नमेंट वाले शोर मचाते, अब जो पीडीएम का नॉमिनी है तो पीटीआई शोर मचा रही है। तो देयर इज नो एंड टू इट। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है मुआशी तौर पर, और ये जो सियासी तराजियात हैं ये लगता है कि मुल्क को बंद गली की तरफ तो ले जा चुके हैं, लेकिन क्या बंद गली से हम कैसे निकलेंगे उसके चांसेस भी हमें निकलते हुए मालूम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी चांसेस नजर नहीं आ रहे और सियासत में चल ही पड़ा है। एक सियासी जमात का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आता है तो दूसरी सियासी जमात खुलकर एहतजाज करती है। दूसरी जानिब कामरान इमरान खान साहब ने फिर अब मुल्क इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का जो कह लेना इंडिया दे दिया है, उन्होंने कहा पार्ट टू शुरू हो गया जी। है जी, अब पहले आपने इकोनॉमी की बात की कि इकोनॉमी हमारी पहले ही बेचारी बुरा हाल है, आवाम भुगत रही है सब कुछ इन सियासी मकासद जो इनके हैं। जो नए जलसों का शेड्यूल जारी करेंगे और खुद मैदान में उतरेंगे, आपको लगता है कि जो पहले की कैंपेन्स है उनका जिस तरह का इम्पैक्ट आया था क्या इसी तरह का इम्पैक्ट होगा या इस बार इमरान खान साहब कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे अपनी कैंपेन से? देखें, जो इमरान खान साहब ने जो उनका मुतालबा था जब पिछले साल अप्रैल में तहरीकी आदम एतमाद के जरिए इक्तदार उन्हें खो बैठे, वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते थे। अब इस बात को 9 माह तो हो गए हैं, 9 माह गुजर गए हैं और अभी आखिरी पत्ता जैसे उन्होंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ के वो भी खेल लिया, और जो पीडीएम की हुकूमत है एज ऑफ नाउ वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है पंजाब और केपी के अंदर हम इंतखाबात पहले करवा लेंगे और बाकी जो कौमी असेंबली और बाकी दो सूबों में वो वक्त पर इंतखाबात होंगे। तो इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए फिलहाल तो ये नहीं लगता कि इमरान खान जलसे जुलूसों की वजह से जो पार्ट टू है उसके जरिए इम्पैक्ट जो है क्रिएट कर पाएंगे और गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने पे। हाँ, गवर्नमेंट जैसे तरीके साहब का कहते थे कि वो अपने बोझ से गिरेगी, तो ये गवर्नमेंट भी जो है पीडीएम जो इस वक्त मौशी चैलेंज जो सबसे बड़ा आम इस वक्त इशू है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अगर बहाल नहीं होता तो फिर जिस मुल्क जिस बहरान की तरफ बढ़ेगा, तो क्या ऐसी सूरत में ये गवर्नमेंट जो है इरिस्पेक्टिव कि पीटीआई क्या करती है, जलसे करती है नहीं करती, इमरान खान साहब दबाव बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते, क्या ऐसी सूरत में ये गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सवालिया निशान है। तो इमरान खान का जहां तक इम्पैक्ट की बात है वो मुझे नहीं लगता कि जलसे जुलूसों से वो उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ये जो मुसलसल तुरख जनरल बाजवा की तरफ है इमरान खान का, इसका क्या फायदा है कामरान इनको? जनरल बाजवा तो अब पावर में नहीं रहे, इज अ रिटायर्ड जनरल नाउ, उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है और अगर कोई एसोसिएशन उनकी इससे पहले की भी जाती है तो नवाज शरीफ साहब है स्टार्टेड इन गुजरांवाला, उन्होंने सबसे पहले जनरल बाजवा को इमरान के हक में कहा कि खान साहब के हक में उन्होंने जो कुछ की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये बार बार और अब कैटेगोरिकली जो मुसलसल जनरल बाजवा को तनकीद करे, इसका कोई सियासी बेनिफिट है इमरान खान को? अगर उनके हामी जनरल बाजवा को लान तान करना शुरू कर देते हैं या करते रहते हैं, इससे पॉलिटिकली क्या फायदा है? इमरान खान क्यों कर रहे हैं ये बार बार?
आई थिंक ये जो उनका बयानिया है डेफिनेटली सपोर्टर्स में बिकता है, और दूसरा उसकी सबसे जो बड़ी वजह है, अगर आप देखें इमरान खान साहब ये कहते हैं क्योंकि जो पौने चार साल की उनकी कारकर्दगी रही, लोग ये सवाल भी करते हैं जेन्युइनली कि आपने उससे पहले जो वादे किए थे कहाँ पे इस्लाहात लाई, तो ये डिफेंस वो जब लेते हैं कि उनके पास तो इख्तियार था ही नहीं, सारा इख्तियार तो जनरल बाजवा के पास था, तो ये इन अ वे जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि उनकी हुकूमत में वो रिफॉर्म्स उन्होंने क्यों नहीं की जिसके उनके वादे किए थे, तो उनका जवाब वो ये देते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था। तो इन अ वे वो अपने वोटर को ये बताना चाह रहे हैं कि इस दफा जब वो आएंगे तो वो बेशक वो दो तिहाई अक्सरियत दे के आए या उनको दो तिहाई अक्सरियत दें, तो अगर वो बाइख्तियार वज़ीरे आज़म होंगे तो फिर जो वादे आपसे किए हैं वो जरूर पूरे करेंगे। ये फिर स्ट्रेटजी क्या है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से आप बना के रखना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल चैनल्स पे ही कहते हैं कि हमारा उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट आप बैक डोर से बैक चैनल से उनको पैगाम दिलवाते हैं, फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों से मुशायराना ट्वीट्स करवाते हैं कि हमारा लव हेट रिलेशनशिप है, कभी आपसे बड़ी वफा थी हमारी इन ऑल दैट, और दूसरी जानब आप ये रवैया पुराने आर्मी चीफ से रखते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी क्या है? देखें स्ट्रैटेजी बड़े वाजे है कि बेशक वो जनरल बाजवा पे टारगेट करते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है, तो इन अ वे जनरल बाजवा को टारगेट करके वो एस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट कर रहे हैं, और शायद उनको ये लगता है कि ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है। इमरान खान, देखिए इमरान खान और नवाज शरीफ की पॉलिसी में एक डिफरेंस है, इमरान खान ये नहीं कहते कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन और कानून के ताबे हो, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मेरे अलावा किसी को सपोर्ट ना करे। तो जनरल बाजवा पे टारगेट करने का मकसद ये है कि उनको ये लगता है कि जो मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा आर्मी चीफ है, कि शायद उस वजह से उनके साथ वो बातचीत का आगाज करें और जो भी इनके गिले शिकवे हैं वो दूर हों और आगे वो निकले, क्योंकि इमरान खान साहब को बावजूद इसके कि वो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं, उनको ये भी पता है शायद कहीं ना कहीं दिमाग में कि अगर उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लाइन ऑफ लेंथ ठीक ना हुई तो शायद वो इक्तदार में ना आ सके, बावजूद इसकी कि वो पॉपुलर हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, तो वो जो खौफ है ना इमरान खान के दिमाग में उसको दूर करने के लिए शायद वो जनरल बाजवा को टारगेट करते हैं ताकि उस चक्कर में उनकी बातचीत हो सके मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनके साथ एक फ्रेश वो मुआयदा कर सके। ओके ओके ठीक हो गया। इन द एंड कामरान, मुल्की मईशत के हवाले से आपने अभी खुद भी मेंशन किया कि अगर IMF प्रोग्राम के साथ हमारे मामलात आगे ना बढ़े तो मुल्की जो मईशत है वो एक बहरान का शिकार हो सकती है, और ऑलरेडी हम बहुत क्योस और क्रंच की सिचुएशन में है। इकॉनमी के हवाले से आपको क्या लगता है, अब हुकूमत को क्या अगला लायमल करना इख्तियार करना चाहिए, और IMF से जो मामलात हैं उनको किस स्टेज पर लेके जाना चाहिए? देखें पाकिस्तान के पास और इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो IMF के साथ प्रोग्राम को बहाल करवाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इससे पहले शायद इस हुकूमत का ख्याल था कि अगर हम दोस्त ममालिक से कुछ पैसे पकड़ के इलेक्शन से पहले ये मामला चला लेंगे और फिर इलेक्शन के बाद अगर लॉन्ग टर्म IMF के साथ चीजों को ठीक करना है तो वो कर लेंगे, लेकिन अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हाथ उठा दिए हैं, उन्होंने एक वाज़े पैगाम पाकिस्तान को दे दिया है कि आपको इस्लाहात करना पड़ेगी, आपको कैश ग्रांट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे माजी में करते रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाहात करे। जब सऊदी अरब अपने अवाम के ऊपर टैक्स लगा रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त और इत्तेहादी ममालिक भी अपने जो टैक्स का निजाम है उसको बेहतर करें, इस्लाहात लाएं। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा IMF के प्रोग्राम के अलावा, और अगर आप IMF का प्रोग्राम नहीं करते तो खुदा ना खास्ता फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। ठीक है कामरान, थैंक यू वेरी मच।